हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। लर्निंग स्टडी का हम पार्ट टू देख रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, डूअर्स डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को हम क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। ओके, क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग टाइम में ना जुबानी पड़ती है, एक अलग ही डर ही लगता है, क्या बात है इसमें। एनीवे, हम इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, इट वॉज थॉरली इंजॉयबल। इसे हमें क्या करना है, री राइट एस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमें इसे क्या करना है, फिर से लिखना है, और हमें इसके अंदर क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसे क्या करना है, बनाने। मतलब हम जो एक्सक्लेमेटरी मार्क जो लगाते हैं ना सेंटेंस लिखने के बाद, हमें वो क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। ओके, अब दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा, टीचर एंड चिल्ड्रन वर्किंग टुगेदर हैव डिमोंस्ट्रेटेड एन अमेजिंग एबिलिटी टू अशर इन चेंज। ओके, हमें इसे क्या करना है, आइडेंटिफाई इन द वर्ब एंड स्टेट द सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस से क्या करना है, वर्ब को पहचानना है। वर्ब से हमें आसानी से समझ रहे हैं, हैव डिमोंस्ट्रेटेड का मतलब क्या है, ये कौन सा वर्ब है, पास परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देर इज नो बेटर वे टू रिड्यूस रिड्यूस एयर पॉल्यूशन और ट्रैफिक जैम्स देन टू फिजिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स ऑन आवर ऑन आवर स्ट्रीट्स स्क्रीन। इसे हमें क्या करना है, री राइट द सेंटेंस चेंजिंग टू द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन। हमें इसमें क्या करना है, इसके डिग्री को चेंज करना है। ओके, अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्पॉट द एरर्स इन द गिवन सेंटेंस एंड री राइट द करेक्ट। हमारे पास क्वेश्चन है, वन ऑफ द बॉय वर प्रेजेंट एट द स्पॉट। यहाँ पर वर आया है, इसका मतलब तो ये बॉय नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। एक नॉर्मल चीज़ हमको आसानी से हम समझ सकते। अब हम यहाँ पर आंसर को लिखकर हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करें। पहले क्वेश्चन में क्या था, हमको एक्सक्लेमेटरी मास लगाना था, तो हमने इसे क्या कर दिए, अनजेबल इट वॉस। हमने इसे क्या करें, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मास को यहाँ पर ऐड कर दें। अब दूसरा हमारे पास क्या था, जो सेंटेंस था उसे हमें क्या करना था, पहचानना था। अब हम यहाँ पर आसानी से हम पहचान लिए, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट वे टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन और ट्रैफिक जैम्स इज टू फिजिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स ऑन आवर स्ट्रीट्स। यहाँ पर हमने क्या करना था, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिग्री को चेंज करना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिग्री को चेंज कर कर इसे लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमें यहाँ पर एरर को पहचानना था और सेंटेंस को करेक्ट करना था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आंसर में करेक्ट करें और इसे कैसे लिखे, वन ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट एट द स्पॉट। ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पर एस को हमने क्या करे, लगा थी, और वास्क वर था तो उसे हमने क्या करे, यहाँ पर वर होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, वास्क लगाया, और इसे क्या को, सॉरी, यहाँ पर वाज आएगा, और इसके नीचे हमने क्या करे, यहाँ पर टिक भी लगा दी। ओके,